हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आजकल के सारे पीसी प्लेयर्स ऑलमोस्ट यूज करते हैं, जिनका भी हेडशॉट रेट मतलब बहुत ही भयंकर है। 90, 95, 96 ऐसा जो हेडशॉट रेट है वो पीसी प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट यही चीज यूज करते हैं। कुछ कुछ पीसी प्लेयर्स कुछ और भी यूज करते हैं, बट मेजोरिटी लोग यही यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि पीसी प्लेयर्स सारे ये यूज करते हैं बिना प्रूफ के, मेरे पास खुद प्रूफ है, खुद उन्होंने कन्फेस किया है कि हम लोग ये यूज करते हैं सीएस रैंक पे, इससे हमारा हेडशॉट बहुत अच्छे लगते। वो इंटरव्यू में आप लोगों को बताने वाला हूं। दो लोग हैं जो मेरे को सीएसआर में मिले थे और उन्होंने हम लोग कबूल किया है, मतलब कि हम लोग यही यूज करते हैं, ये चीज यूज करते हैं। और उन्होंने मेरे को सिखाया कि क्या क्या चीज कैसे यूज करते हैं और उसके कैसे हेडशॉट लगते हैं। तो चलो पहले मैं आपको बैक स्टोरी बता देता हूं, उसके बाद गेम में आपको इंटरव्यू बताता हूं उन लोगों का। तो लास्ट टाइम की तरह ये लोग भी मेरे अपोनेंट में आए थे सीएसआर में, और ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। मतलब दो बंदे थे वो, मतलब इतना अच्छा खेल रहे थे, तुम जैसे ही बाहर निकलोगे यूएमपी के तीन शॉट आपको पड़ेंगे और सीधा आप डाउन हो जाओगे, तीनों तीन हेडशॉट पड़ेंगे आपको। तो मैं एक दो राउंड के बाद ही समझ गया था कि मतलब ये अनफेयर है, ये कुछ मतलब यूज कर रहे हैं, पर मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या यूज करते थे। तो मैच के बाद मैंने उन लोग को बुलाया और फिर ग्रुप में बातें हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको उन्हीं की वॉइस में सुनाता हूँ वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, उनसे कितने हेडशॉट लगते हैं, वो सब मैं आपको उन्हीं की वॉइस में सुनाता हूँ। ठीक है, चीट इंजन यूज किया आपको भी? चीट इंजन का भी यूज किया? नो रिकॉइल, एमबॉट और यूएमटी से ड्रैग। एमबॉट जो है ना वो बॉडी पे ही लाता है। नहीं मतलब बॉडी शॉट नहीं लगता, फिर यूएमटी से ऑटो ड्रैग। नहीं है ये तो, मतलब बस ऐसे ही बहुत दिन से पता था हमें लेकिन यूज नहीं करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, बंदे कस्टम में मार मार के बोलते थे भाई 4 साल का एक्सपीरियंस। हमने खुद नहीं बनाया, हमें ये कोड्स कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिले, बाकी चीट इंजन तो पता था कि हाँ क्या चीज है। जब रिकॉइल नहीं होगा और ऑटोमेटिक तुम्हारा ड्रैग होगा तो यही होता है। तो आपने सुन लिया मतलब वो लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसके बाद भी और बहुत ज्यादा बातें हुई थी, तो मैंने उनको लास्ट में बोला कि ये जो भी चीज आप लोग यूज करते हैं वो सब मेरे को डिस्कॉर्ड पे भेजो, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ आजकल क्या क्या चीजें यूज हो रही है। क्योंकि मैंने इन लोग को पूछा कि आप लोग कितने टाइम से ये चीज यूज कर रहे, तो उन्होंने बोला कि 1-2 मंथ हो गए, बट अभी तक हमारी आईडी बैन नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, मैंने खुद भी रिपोर्ट किया था जब मेरे सामने अपॉइंटमेंट में आए थे, तो मैंने भी खुद भी रिपोर्ट किया था। बट आज के टाइम में भी अभी भी देखोगे तो उसकी आईडी दोनों की अभी भी सही सलामत है, बैन कुछ भी नहीं हुई है। तो लास्ट में इन लोगों ने मेरे को कोड और जो भी सॉफ्टवेयर है और जो भी जैसे यूज करते हैं वो सब मेरे को उन्होंने बताया, और फिर लास्टली मैंने भी यूज किया और मैंने भी चेक किया कि मतलब सही में हेडशॉट लगते हैं या फिर ऐसे ही लगता है, या हैक है, स्क्रिप्ट है, क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने खुद टेस्ट किया है तो मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ अभी, और मैं जितना हो सके उतना आपको कम इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, क्योंकि आप लोग यूज़ ना करने लग जाओ। कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग आपको खाली अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो से आप लोग देखो और फिर आप लोग भी यूज़ करने लग जाओ, मैं उसका उल्टा चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होकर आप भी ये चीज़ यूज़ मत करने लग जाना, क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े यूट्यूबर ने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो से सारे पीसी प्लेयर्स जो है वो यूज़ करने लग जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से सारे पीसी प्लेयर्स यूज़ करना बंद कर दे। और भाई कमेंट्स में कोई ज्ञानी मत बनना, ये बात बोलना कि ये है कैसे यूज होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं, वो करते हैं, मैक्रो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ऐसी कमेंट्स मैंने देखी, एक भी कमेंट देखी उसको मैं डायरेक्ट बैन ही कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, दूसरी बार आप लोग कमेंट ही नहीं कर पाओगे। किसी अनफेयर या फिर हैक के बारे में नॉलेज होना या फिर उसको कैसे यूज करते हो पता होना, वो कोई फ्लेक्स की बात है नहीं। ठीक है, तो मतलब फ्लेक्स मत मानना कि मेरे को सब कुछ पता है, मैंने बता दिया सबको। ठीक है, ऐसे फ्लेक्स मानने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी कमेंट मत करना, पता है तो अपने तक रखो और यूज मत करना बस। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग में आ गया हूँ और ये मेरा नूब अकाउंट है। ठीक है, तो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, मेरे मेन अकाउंट में मैं रिस्क नहीं लेने वाला। ये मैंने पूरा ब्लू स्टैक नया डाउनलोड किया, आप लोग देख सकते हो सेटिंग, वो जो आइकॉन है या फिर कस्टम हुड है वो सब लोग एकदम मतलब नॉर्मल है, डिफॉल्ट है। मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया है, ना एक्स एंड वाई सेटिंग किया है, कुछ भी सेटिंग नहीं किया है। ठीक है, जो डिफॉल्ट में 1-1 आता है एक्स और वाई वही है, तो उसमें भी देखना कितने अच्छे हेडशॉट लगते हैं। और उसके बाद सोचना अगर मैं थोड़ी सी भी सेटिंग कर लूँ इसके ऊपर, 1 घंटा भी खेल लूँ तो कैसे हेडशॉट लगेंगे। तो अभी मैंने करंटली कुछ यूज नहीं किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे हेडशॉट कितने लग रहे हैं। मेरे को बहुत ज्यादा ड्रैग करना पड़ रहा है जब जाके हेड पे एम जा रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत कम सेंसिटिविटी है। तो उसके बाद अगर मैं सेंसिटिविटी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं वो चीज लगा दूंगा, उससे मेरे हेडशॉट लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का यहाँ पे रोल आता ही नहीं है। आपकी कैसी भी सेंसी हो, एकदम खराब सेंसी हो, एकदम डिफॉल्ट सेंसी हो, फिर भी यहाँ पे बहुत गजब वाले हेडशॉट लगने वाले। और ठीक है, यहाँ पे मैंने पहली चीज ऑन भी कर ली है आपके सामने, आपको पता भी नहीं चला होगा मैंने कब ऑन कर लिया। और यहाँ पे जो चीज मैंने ऑन किया वो है ऑटो
ड्रैग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कितने वन टैप कैसे लग रहे, ठीक है। मैंने सेंसी चेंज की ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कट भी नहीं किया, आप लोग देख सकते हो कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक चीज मैंने ऑन कर दी है, उससे कितने हेडशॉट लग रहे हैं देखो, वही सेंसी पे वही स्टाइल में मैं कितने हेडशॉट मार रहा हूँ आराम से एकदम। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऑटो ड्रैग कर रहा है, मैं खाली लेफ्ट फायर बटन दबा रहा हूँ और हेडशॉट पे हेडशॉट लग रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओनली रेड लग रहे हैं, ठीक है, एक भी बॉडी शॉट नहीं लग रहा विदाउट सेटिंग। अगर मैं इस पे एक घंटा सेटिंग करूँ तो मेरे मतलब इससे भी अच्छे हेडशॉट लगेंगे। अभी मैंने यहाँ पे उसको बंद भी कर दिया आपके सामने, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने कब चालू किया कब बंद किया, कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप मेरे को पकड़ ही नहीं पाओगे कि मैंने हैक यूज किया या फिर कुछ यूज किया है मैंने। और मेन बात यहाँ पे आप लोग देख लो कि मेरा एम कितना अच्छा है, मतलब आपको लग रहा हो कि मेरा एकदम नॉर्मल एम है, ना ही एक बंदे से दूसरे बंदे पे मेरा एम जाएगा, ना ही मेरा ऐसा एम फ्लक्चुएट होगा, ना ही ऐसा लगेगा कि मैं बॉडी शॉट मार रहा हूँ तो हेडशॉट लग रहा है, ऐसा लगेगा मैं डिफॉल्ट में ड्रैग भी कर रहा हूँ, मेरा ड्रैग बटन भी आप लोग देख सकते हो ड्रैग हो रहा है, मेरा स्क्रीन भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, एकदम नेचुरल आपको लगेगा मेरा गेम प्ले एकदम नेचुरल है। तो ये था ऑटो ड्रैग, और इसके साथ एक और चीज वो लोग यूज करते हैं जो कि नो रिकॉल, ठीक है, ऑटो ड्रैग प्लस नो रिकॉल यूज करते हैं। तो अभी मैंने नो रिकॉल भी लगा दिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं यूएमपी की सारी पूरी मैगजीन खाली कर दूंगा, बट एक भी गोली इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है, सारी की सारी गोलियां हेड पे लगेगी या फिर बॉडी पे लगेगी या जहां पे आप लोग एम करोगे वहां पे लगेगी, कोई रिकॉल नहीं होने वाला, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो एक टाइप का हैक ही हो गया, आपको इसमें कोई मेहनत करनी नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी, ना ड्रैग करना है, ना रिकॉल कंट्रोल करना है, ना कुछ करना है, सीधा खाली लेफ्ट फायर बटन दबाओ, सामने वाले को तीन हेड पड़ेंगे वो डाउन हो जाएगा, मर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक बंदे मर जाएगा, आपको खाली एक बटन ही दबाना है बस। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज बैन अभी क्यों फिलहाल नहीं हो रही, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं बट उसकी आईडी बैन नहीं हुई, और ये जो मैंने आईडी मैंने खेला है उसमें भी मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला ये आईडी में मेरे सामने ओपोनेंट में आओ और इस आईडी को रिपोर्ट करो, मेरे को देखना है इस आईडी को कितने टाइम के बाद बैन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इनके इसके साथ ये लगा के खेला भी है कस्टम, उसमें मेरे फ्रेंड्स को मैंने बोला सब लोग रिपोर्ट करो जितने भी लोग खेल रहे, तो उन्होंने रिपोर्ट भी कर रखा है, बट अभी तक मेरी आईडी बैन नहीं हुई है। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि मेरी आईडी बैन क्यों नहीं होगी या फिर उन लोगों की आईडी भी बैन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऑटो ड्रैग वाला है वो एक मैक्रो है, वो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैक्रो तो ग्लू वॉल के लिए भी हम लोग बहुत टाइम से यूज करते हैं, बहुत लोग ओम के लिए भी मैक्रो यूज करते हैं, बट आज तक उनकी आईडी कभी बैन नहीं हुई। तो ऑटो ड्रैग भी एक टाइप का मैक्रो ही है, तो उसमें आईडी बैन होना मतलब चांसेस बहुत ही कम है, अभी कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा कभी भी नहीं होगी, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो एक मैक्रो है। और इसमें फ्री फायर की गलती नहीं है, क्योंकि मैक्रो जो चलता है वो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलता है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करना फ्री फायर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात फ्री फायर एक वो एक मोबाइल गेम है, पीसी के लिए गेम नहीं है। पीसी के लिए जो भी गेम आती है उसमें बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे एंटी चीट डिटेक्ट होता है, चलो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूँ। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे वैलोरेंट लेने वाला हूँ जो कि एक पीसी गेम है। तो वैलोरेंट खेलने के लिए आपको बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन चलाना पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है जब वैलोरेंट इंस्टॉल होता है, उसका नाम है रायट वैनगार्ड, और रायट वो कंपनी है जिसने वैलोरेंट को डेवलप किया है बनाया है, ठीक है, वैसे ही करना ने फ्री फायर को बनाया। यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे टास्क बार में दिख रहा है रायट वैनगार्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर सकता हूँ। अगर मैं एग्जिट करूंगा और इसको बंद कर दूंगा तो जब उसके बाद वैलोरेंट चालू करूंगा तो वो बोलेगा कि ये एग्जिट कर दिया है, वैनगार्ड को आपको चालू करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैलोरेंट आप खेल सकते हो। ये वैलोरेंट के लिए चिट डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर है कि अगर बैकग्राउंड में आप कोई भी हैक चलाते हो या फिर कोई भी ऐसा एम बॉट चलाते हो वैलोरेंट के लिए, तो यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आप लोग मैसेज पढ़ सकते हो वैनगार्ड हैज ब्लॉक द फॉलोइंग फाइल फ्रॉम लोडिंग ऑन योर सिस्टम। तो ये तो एंटीवायरस का मतलब नेट प्रोटेक्टर का फाइल है, ऐसे ही अगर एम बॉट की सॉफ्टवेयर होगी या फिर ऐप होगा तो उसको भी ये लोड नहीं होने देगा वैनगार्ड। और अगर आपने गलती से लोड भी कर लिया उसके बाद ओपन करके एक मैच भी खेल लिया तो वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा वैनगार्ड और आपका वैलोरेंट का जो अकाउंट है वो बैन कर देगा। तो ये तो मैंने वैलोरेंट का एग्जांपल दिया, बट जो भी पीसी गेम्स आती है बड़ी बड़ी वॉरजोन हो गई, सीएसगो हो गई, सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, एंट्री चीट डिटेक्टिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है, तो वो चीट डिटेक्ट कर लेता है अगर आपका बैकग्राउंड में कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है जो भी सस्पिशियस है। बट फ्री फायर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवा सकता जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, क्योंकि फ्री फायर एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है भी नहीं जो पीसी में रन करता है, वो इम्यूलेटर के अंदर रन करता है, जैसे ब्लूस्टैक एलडी प्लेयर कोई भी हो गया वो ब्लूस्टैक उसके अंदर रन करता है फ्री फायर। तो उसको फ्री फायर को डिटेक्ट करना कोई पीसी में अंदर कुछ चल रहा है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, फ्री फायर के लिए। तो उसमें फ्री फायर का कोई गलती नहीं है, ये गेम पीसी की नहीं है तो फिर मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए। बट फिर भी फ्री फायर का जो डेवलपर्स है वो कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, तो वो लोग कुछ ना कुछ वे निकाल सकते हैं जिससे वो लोग डिटेक्ट कर पाए कि पीसी के अंदर कुछ चल रहा है जिससे आपको एडवांटेज मिल रहा है, अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है फ्री फायर के अंदर। मतलब आईडी बैन होना तो कंफर्म ही अगर आप लोग ये चीज यूज करते हो, ठीक है, आज नहीं तो कल होगी आईडी
मेरी बहन तो 100% होने वाली है और मेरी वीडियो देख के ये यूज मत करना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए थी, ऐसा मत समझो कि ये मैंने बताया, मतलब आप यूज करो ये। और अगर आप लोग ये यूज करते हो उसके बाद मेरे को आके बोलते हो एक्सेल भाई बिग फैन आपकी वीडियोस देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं दो गाली आपको वहां पे ही दूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ आपको सिखाया नहीं यूज करने के लिए। तो मत यूज करना, अगर आप सच में फैन हो, सच में बोलते हो कि मैं मेरी वीडियो से सीखा है, तो ये यूज मत करना, ठीक है। जो मैंने सेटिंग बताई आज तक कितनी सारी वीडियोस बनाई है सेटिंग के ऊपर, वो यूज कर सकते हो, ट्वीक्स यूज कर सकते हो, ये सब यूज कर सकते हो, वो फेयर है। और एक और चीज बहुत ट्रेंडिंग में अभी चल रही है जिसका नाम है पैनल। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि पैनल यूज कर रहा है, पैनल यूजर है, पैनल से हैक होता है, ठीक है। तो पैनल क्या है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना कि अगर पैनल के ऊपर वीडियो चाहिए मैं एक्सप्लेन करूँ पैनल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्ले फेयर एंड टेक केयर।